यूनिट टू का ही टॉपिक है ये वाला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करना एक्सप्लेन द नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर सेल्स फोर्स डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर सेल्स फोर्स ठीक है पहले इसके पहले क्या किया था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे ही रिक्रूटमेंट होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है तो क्या आता है नेक्स्ट स्टेप पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपका एग्जाम में इससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा ट्रेनिंग से कि नीट क्या है ट्रेनिंग की और मैथड्स ट्रेनिंग ट्रेनिंग अगर हमने किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया है तो उस काम के लिए उसको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी उसको नॉलेज देना पड़ेगा उसके स्किल को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू कर सके डेवलप कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है उसको क्या कर सके वो अचीव कर सके देखो ट्रेनिंग क्यों दी जाती है ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है और एक डेफिनेट पर्पज के लिए होता है देखो लिख रही हूँ फॉर ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है ठीक पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि किस टाइप का रहेगा फॉर डेफिनेट पर्पज कंपनी को पता है कि उसको किस चीज के लिए और कितनी ट्रेनिंग दिलवानी है तो फॉर ऑर्गेनाइज पर्पज फॉर ऑर्गेनाइज प्रोसीजर फॉर डेफिनेट पर्पज ये सिंपल मीनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग की दूसरा इसमें क्या रहता है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास चॉइस होता है कि वो ट्रेनिंग देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है अगर उसने ऐसे एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया है जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस वर्क में तब ऐसी चीजों में उसको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा लेकिन अगर इन्होंने किसी फ्रेशर को अपॉइंट किया है तो उस चीज में उनको क्या करना पड़ता है ट्रेनिंग देना पड़ता है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आप लोग तो टोटली uh, totally क्या रहते हैं फ्रेशर्स रहते हैं तो आप कहीं पे भी जॉब पे जाएंगे तो आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज का वो लोग एक ट्रेनिंग देते हैं ठीक है थीके? तो ये था ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग की मीनिंग में किसी को डाउट है तो पूछो पहले देखो अब आगे इसमें कंटेंट्स लिखते जाना साथ साथ में या समझो मीनिंग के मीनिंग इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा इट इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एक तरीके से नॉलेज को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं इट इज द एक्ट ऑफ इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब दूसरा क्या होता है अब अपन सेल्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा हम सामने वाले को ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि जब वो मार्केट में जाए फॉर सेलिंग सेल करने के लिए तो वो अच्छे से सेल कर सके प्लस जो बायर्स हैं जो उनकी क्वेरीज को क्या कर सके फुलफिल कर सके फिर इसमें क्या होता है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है द प्रोग्राम

डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल तो ये सब आएगा इसके ट्रेनिंग के मीनिंग में अब देखो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि सेल्समैन को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायर्स जिनसे वो मिलेगा जिनसे वो बात करेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा फिर वो उनका अप्रोच बिहेवियर समझेगा कि उनसे कैसे बात करना है तो इस टाइप की एक ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेल्समैन हैज टू बी प्रिपेयर्ड salesman has हैज be बी प्रिपेयर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायर्स इसमें क्या रहता है उनका मैथड ऑफ अप्रोच बिहेवियर को सीखने मिलता है मैथड ऑफ अप्रोच बिहेवियर सेकेंड क्या है उसका जो फॉर्म है फर्म कैसे काम करती है तो इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अगर किसी फॉर्म में जॉब करते हैं एज अ सेल्समैन तो आपको वहां कैसे काम करना है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वहाँ की पॉलिसीज क्या है और उस फर्म के प्रिंसिपल्स क्या है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म तीसरा आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इसमें फ्रैंक और ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है इसमें समझा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपको पैसा फील्ड दिया जाता है फॉर द सेलिंग तो कि आप किस टाइप के कॉम्पिटिशन को आप फेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन ही टू फेस किस टाइप के मार्केट के लिए वो बंदा परफेक्ट है एंड द स्ट्रोंग एंड वीक पॉइंट जो भी होंगे उसके एंड द्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द गुड्स एंड मैथड्स अरेंजिंग सेल्स कैंपेन तो इसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं एक तो उसको प्रिपेयर किया जाता है किस टाइप के बायर्स हैं आपका क्या अप्रोच होगा आप उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और आप अपना सेल्स का टारगेट कैसे कंप्लीट करते हैं दूसरा इसका क्या होता है कि फर्म की पॉलिसीज को समझना आपको उस फर्म के अंदर कैसे काम करना है और तीसरा आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्पिटिशन क्या है मार्केट में आप किस टाइप के मार्केट के लिए बने और आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट क्या है तो ऑब्जेक्टिव में किसी को डाउट है अब आगे देखो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को इस छह पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है देखो इम्प्रूवड सेल्फ मैनेजमेंट इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड मोराल लोअर टर्न ओवर और सेल्स प्रोडक्टिविटी इन छह पार्ट्स में बना सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव को जो ऊपर तीन पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए उसको इस छह पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को आगे देखो इसमें नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स फोर्स ट्रेनिंग देखो अब इसकी इंपॉर्टेंस में क्या है वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप वो स्टडी करेंगे पहला है टू इंश्योर दैट ट्रेनीज हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू इंश्योर दैट ट्रेनीज हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ nature and importance of the selling job and their role in company selling job and their role in company next stage may to develop in trainees basic knowledge and skills to डेवलप इन ट्रेनिंग नॉलेज एंड कैसे टू देयर जॉब तो ये इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्स ट्रेनिंग के बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है आपको नेक्स्ट इसमें देखो इसमें क्या होता है ये तो बेसिक इंपॉर्टेंस है इससे क्या होगा इससे क्या होगा नेक्स्ट देखो आप ट्रेनिंग से ये पता चलेगा कंपनी स्पॉट करती है किसको स्पॉट करेगी ऐसे पर्सन को स्पॉट करेगी जिसके अंदर प्रॉम जो प्रॉमिसिंग पर्सन है और जिनको वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकती है और उनके प्रमोशन के लिए तो स्पॉट होंगे कौन प्रॉमिसिंग पर्सन नेक्स्ट इसमें क्या होगा ट्रेनिंग से रिड्यूस होती है क्या डिससेटिस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय के मन में जो डिसटिस्फेक्शन है वो प्लस कंप्लेन फिर क्या रहेगा एपसेंटिज्म फिर क्या रहेगा टर्न जो ओवरऑल टर्न होता है वो भी रिड्यूस होगा सेल्स फोर्स के बीच में नेक्स्ट देखो ट्रेनिंग क्या करता है प्रोवाइड्स करता है सेल्समैन को प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं हम इसके थ्रू नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं उसको इंक्रीज करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ सेल्समैन ये सब क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से नेक्स्ट क्या होता है एज विन द कस्टमर इजली जो कस्टमर्स होता हैं उसको इज़ली विन कर सकता है एम्प्लॉय एज विन कस्टमर इजिली तो ये इंपॉर्टेंस थी किसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की अब नेक्स्ट देखो नीड एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत ही क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो उसकी इंपॉर्टेंस थी और उसके क्या फायदे थे अभी तक लेकिन अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको जरूरत ही क्या है ट्रेनिंग देने की नीड फॉर ट्रेनिंग पहली नीड क्या है जो सेल्स सेल्स है वो लॉस्ट लॉस्ट हो चुकी आर क्यों किनको लॉस्ट हो चुकी है कॉम्पिटिटर्स को तो हमको क्या करना है अपना प्रोडक्ट सेल करना है हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो तो सेल्स ऑपरचुनिटीज इतने सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में कंपटीशन इतना हाई है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम अपने अनट्रेन सेल्समैन को ट्रेन कर सके और ताकि हम कंपटीटर से आगे बढ़ सकें तो सेल्स ऑपरचुनिटीज लॉस्ट हो चुकी है कॉम्पिटिटर्स को ये एक पहला नीड है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग देने की दूसरा अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो अपना जो सैलरी और एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कम होगा सैलरी और जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं कही ना कहीं अपना कम होगा प्लस जो ड्यूरेशन है किसी भी सेल्समैन को रेडी करने का ड्यूरेशन टू बिकम रेडी और टू क्रिएट अ सेल्समैन वो कम हो जाएगा ट्रेनिंग से तो उससे जो सैलरी और एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होंगे तीसरी क्या है नीड नॉलेज वेरियस डिपार्टमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स उसको दिया जाएगा तभी तो वो कोरिलेट करके काम करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बहुत एजेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन को अगर दूसरे डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो इसलिए नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज एजेंशियल दूसरा उस क्या होता है जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो क्या डेवलप करता है कैरेक्टर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग डेवलप्स कैरेक्टर ठीक है साइकोलॉजिकली मेंटली वो रेडी होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकली ही बिकम्स रेडी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दूसरा क्या होता है उसको प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है साइकोलॉजी बिकम्स रेडी फॉर ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज लेता है इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो ये सब उसको हेल्प करता है इन्वॉल्विंग विथ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट उसमें क्या होता है सेल्स रिसर्च का मौका मिलता है सामने वाले को जिससे वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है गैदर कर सकता है सेल्स रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है नेक्स्ट इसमें क्या होता है जो बिजनेसमैन है जिसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो हमेशा क्या चाहता है जो सेल्स पीपल है वो प्रिपेयर्ड रहे। कोई भी सिचुएशन आती है इन नियर फ्यूचर या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो इतने एक्टिव हो कि वो तुरंत उसका सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को एक्टिव सेल्स मैन तो ये थी नीड फॉर ट्रेनिंग